ये उस्ताद पप्पू की बाइक जो बिल्कुल रेडी होके खड़ी हुई है, और माशाल्लाह से उस्ताद पप्पू ने जो है ना वो बाइक चलाई है, बहुत अच्छा एवरेज है इसका। तो इसको देखकर जो है ना 3 से 4 लोगों ने हमें बोला है कि हमें भी जो है ना मोटरसाइकिल LPG पे करनी है। तो उस्ताद पप्पू ने बोला आप सामान मंगवा कर दो, मुझे कहा कि आप सामान किट हो गई, सिलेंडर हो गया वो मंगवा कर दो, तो इंशाल्लाह उनको भी मैं करके दूंगा। तो कुछ कस्टमर है वो भी आ रहे कि यार आप हमें भी करके दो LPG पे। तो फिलहाल मैंने जो है हैदराबाद से सामान मंगवाए, किटे मंगवाए, ये कुछ सिलेंडर मंगवाए, वो आएगा, वो सामान आएगा तो उसकी भी जो है ना एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना वो फारिग कोई भी नहीं है, मैं हूँ, कैमरा लेके खड़ा हुआ हूँ, शबीर भाई जो है वो पता नहीं क्या सोच रहे, इकबाल भाई जो कस्टमर के साथ लगे हुए, उस्ताद पप्पू जो है ना वो मुआयना कर रहे किस गाड़ी का काम करूँ, क्योंकि ऐसे भी दिन होते हैं कि उस्ताद पप्पू को कोई वहाँ से पकड़ रहा होता है, कोई वहाँ से पकड़ रहा होता है, और कोई ऐसे भी दिन होते हैं कि उस्ताद पप्पू यहाँ पर आके लेटे रहते पूरा पूरा दिन, कोई जो है ना ग्राहक नहीं होता है। भाई LPG का सिलेंडर जो है ना मेरे लिए 2 मंगवाना, एक इस लेफ्ट साइड एक राइट साइड पे। पूछो क्यों? क्यों? जब एक खत्म होगा ना दूसरा का ठीक खोल दूंगा, वो भरवाने के लिए दे दूंगा, मैं निकल जाऊंगा काम के लिए। तो सुल्तान भाई आपके लिए मैंने ऑर्डर किया हुआ, बस अभी कल लिया परसों तक जो है ना माल, जो आप बोलो 1-2 लाख में आपको दे देता हूँ, एक्स्ट्रा लगाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे को दे दो इसमें मैं लगाता हूँ सिलेंडर। भाई ये सुल्तान भाई ने भी जो है ना ऑर्डर हमें किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो है ना वो दोस्त भी है और बहुत ही प्यारा और मतलब जिगरी यार होते हैं ना वो है। इसको भी हम करके देंगे LPG भी, इसके लिए भी सामान मंगवाया है, और 2-3 कस्टमर और है उनके लिए भी मंगवाया है, और मजीद कस्टमर हमें जो हमारे दादी कस्टमर है जैसे CNG रक्षे वाले हो गए, लोडर रक्षे वाले हो गए, क्योंकि उनके पास भी बाइक्स होती है, तो वो तो वैसे ही CNG रक्षे जो है वो LPG पे या CNG पे चला रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा पता होता है एवरेज वगैरह का, तो वो बोलते हैं हमें भी हमारी बाइक भी जो है ना आप पहले आप अपने जो है ना वो बाइक्स इनको बताइए, ट्राई भी मार कर आए, चलने भी बहुत अच्छी चल रही है गाड़ियाँ, तो वो कह रहे कि हमें भी जो है ना वो बाइक्स हमारी कन्वर्ट करके दो LPG पे, तो उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो जब तक सामान नहीं आएगा तब तक तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल ना तो किट है ना तो सिलेंडर है। तो सुल्तान भाई भी इसी आश्रय में यहाँ पर बैठे हुए कि यार जल्दी मेरी गाड़ी आप करके दो, क्योंकि ये बाइक जो है ना अभी पैदल चल रहे पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल बहुत महंगा है, इस बाइक के पास भी 125 है और 70 भी है, तो अब देखते किस बाइक में लगाएंगे, 125 में लगाएंगे या 70 में लगाएंगे, अब जिसमें भी लगेंगे इंशाल्लाह अलग अलग करके आपको वीडियो बताएंगे। सुल्तान भाई की गाड़ी भी हो गई और 2-3 बंदे और भी है, सबसे पहले तो हम अपनी गाड़ी करेंगे जो वो 70 जो हमारी खड़ी हुई है, इंशाल्लाह हम उसको पहले सबसे पहले हम उसको करेंगे, उसके बाद जो है ना वो सुल्तान भाई की गाड़ी को कन्वर्ट करेंगे। आप क्या बात कर रहे हो? तो भाई आप जाके क्यों नहीं बनाते हो कस्टमर का जनरेटर? भाई बनाता हूँ अभी, वो सर गया काम से, पाने वाने लेके गया, ये जनरेटर मैं धो रहा हूँ, ये दूसरे को उसने दिया था, उसने नहीं उससे बना, वो कट्टे में डाल के कल कबाड़ इकट्ठा करके लेके आया, अभी मैं इसकी सफाई करूंगा, उस्ताद आके इसको फिट करेगा, इंजन का ये जनरेटर है ये। अच्छा तो ये चाचा जो कल बोरे में जो लेकर आया था ये वही सामान है? वही सामान है। तो दोस्तों ये जो जनरेटर चाचा जी के पास जो पड़ा हुआ, चाचा जी जो जिसके वो मेहनत करके साफ कर रहे मिट्टी के तेल के साथ, ये कल बोरे में आया था, इसकी ये हालत नहीं थी, बिल्कुल जंग से जो है वो लथपथ था, और सामान जो है वो बिल्कुल कुछ भी सामान नहीं था। तो हमारे चाचा जी ने जो है ना कुछ सामान अपना पुराने जो पड़े हुए होते पार्ट, जैसे नट बोल हो गए, पट्टियाँ हो गई, तो वो चीज़ें जो है वो इसके साथ जो है अटैच कर ली है, अब ये जो है जनरेटर पूरा फिट करके उस बंदे को देगा, वो खुश हो जाएगा ना? बिल्कुल, बोलता है उसने बोला भी ऐसा वो दूसरे ऐसे बना ही नहीं है, वो दूसरे को दिए, 1 साल पूरा उसके पास पड़ा रहा। अच्छा तो सामान सारा उसने घुमा दिया? सामान घुमा दिया, कुछ आगे पीछे कर दिया, कुछ अभी उसका है, कुछ हम अपने तरफ से लगा के उसका मना जनरेटर चालू हालत करके आज शाम तक देना है। अच्छा बस। तो दोस्तों जो ये आज जो है ना चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत क्यों नहीं करेंगे यार, रोजी आएगी तो मेहनत दर्दी बातें करेंगे। हमारे मुंडे साहब आज वापसी आए हुए, मुंडे को तो आपने देखा होगा हमारे दूसरी वीडियो में, देखना जरूर जो आपको नजर आएगा, ये हमारे मुंडे साहब है जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना बैठना है उसको, और कुछ काम है नहीं, बस यहाँ पे आके हुक्म चलाएंगे हमारे उस्ताद के ऊपर, उस्ताद ये कर ले, उस्ताद वो कर ले, मार दे ना। आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? गाड़ी खराब है यार, गाड़ी वापसी, गाड़ी खराब हो गई, मुंडे की गाड़ी वापसी खराब हो गई। कौन सी गाड़ी आपकी, कहाँ पर है भाई? वो वाली गाड़ी जो है ना पीला पीली साजगार जो है मुंडे की है, उसका क्या खुलेगा, इंजन खुलेगा? इंजन खुलेगा, हमारे में तो नहीं है, दुकान वाला उधर नहीं देता है।
यार हम उधार क्यों दे रहे भाई, एक तो महंगाई इतनी है उनको उधार दे, और ये बंदे ऐसे है कि उधार लेते बोलते ना उधार लेना और गुम होना, वो कौन सा जुमला आता है क्या बोलते हैं क्या बोलता है उधार एक जादू है जिसको दिया वो गुम हो गया। हाँ ये जादू हम लोग नहीं करते भाई। मैकेनिक साहब आप किधर गुम हो यार, आप क्या आपकी गाड़ी वगैरह आई नहीं आई, बोर्ड कहाँ है यार, बोर्ड कहाँ है। हाँ यार आज जो है ना बोर्ड इंशाल्लाह लगाएंगे यार, ये मैकेनिक जो हमारा बोर्ड के ऊपर चलता है भाई, आज आपका बोर्ड लाजमी लगाएंगे हम, सही है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए रक्षे के साथ, नए लोडर के साथ, नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।